चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो हम इतना रेडी शेडी होकर जा रहे हैं अभी मॉल सामान लेने, क्योंकि घर की सारी ग्रॉसरी वगैरह सब फिनिश हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो लाना। तीन चार दिन से अवॉइड कर रहे थे, सोचो ऑनलाइन मंगाऊँ। फिर ऑनलाइन ना थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा सही है कि अच्छी दाल राइस जो मुझे चाहिए वो मिलती नहीं है, तो मैं यहाँ से अपने आप खुद सर्च करके सामान खरीदूँगी। तो सबसे पहले आज मुझे सामान लाना है घर का, उसके बाद सारे काम करने हैं। तो मैं, साहिल, काजल और रूफी जा रहे हैं सामान लेने। तो अभी चलते हैं फटाफट मॉल और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। और आज का जो वेदर है बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जैसे ही हम घर से निकले तो बारिश जो है स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छा हो गया। Hi. Hello, Kajal. Love your vlog. Thank you so much. Thank you. ये देखो कितनी क्यूट है यूनिकॉर्न, पर मैंने सेम मंगाई तो थी, पर ये ज्यादा क्यूट लग रही है। नहीं वो ज्यादा क्यूट। हैंगर कम पड़ गए गाइस, और लेने आ गए हैं, बाकी देख रहे हैं। तो गाइस ग्रॉसरी लेने से पहले हम लोग सर्च कर रहे हैं कुछ घर का थोड़ा बहुत सामान। तो मुझे यहाँ आके ना बहुत कुछ मिल जाता है, और मैंने इस बार प्लान नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आऊँगी, लेकिन ले लेते हैं। तो गाइस साहिल के पास ना इतना बड़ा एक स्टील का ग्लास था जो मेरी नानी ने गिफ्ट किया था, तो मैं कुछ उनके लिए सर्च कर रही हूँ। ये वैसे है तो इसमें ठंडा तो नहीं रहता होगा ना काजल। सो गाइस फालतू सामान तो बहुत सारा ले लिया है, अब जा रहे हैं काम का सामान लेने। यहाँ मिल जाएगा साहिल के लिए वो बिग वन ग्लास जो मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, और यहाँ मुझे लग रहा है मिल जाएगा। कुछ मिला, तो येलो अच्छा लग रहा है, ब्लू अच्छा लग रहा है, या वाइन अच्छा लग रहा है, वाइन है ना? ये लेना है ना अपना, ये खराब हो गया है जिसमें हम वो बनाते हैं राइस, ढक्कन वाला लेना है। पूरा सेट पूछो और या अलग से पूछो। सो गाइस एक तो मुझे ये पसंद आया छोटा सा, इसमें ब्लू कलर भी है सारे, ये वाला कलर भी है देखो, पर ये कुछ अलग लग रहा है ना। एक तो ये वाला दे दो दी, एक वो सेट दो, ओ पर्पल वाला। हाँ वो सेट दिखाती हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ एक हमने ये लिया, एक काफी यूनिक चीज मिली है जिसके अंदर हम सब कुछ बना सकते हैं। बस क्या नहीं बना सकते हैं, रोटी, रोटी दिखाना अंदर से। ऐसा इसको ऐसे किया, किया लॉक, और फिर जो भी चीज़ चाहिए उस आइटम पे क्लिक करो, बस स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक है। अच्छा इलेक्ट्रिक है, क्या प्राइस है इसका? अब गाइस बेडशीट की बारी, सुंदर सी लेनी है, इस पे यूनिकॉर्न बने हुए हैं। ऐसा मन करता है नया बेड ले ले, मुझे वो बहुत सुंदर लग रही है ना। तो गाइस फिर से थोड़ा फालतू सामान ले लिया, अब फाइनली राशन की बारी है, और वो ग्लास कहीं नहीं मिला जो मुझे साहिल के लिए चाहिए। ये बेडशीट आता है 9x9 सबसे सुपर। नहीं 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 नहीं, वो मुझे थोड़े ना हैवी मोटे में ही चाहिए। आप ये दिखाओ,
गाइस राशन लेने बाद में पहले बेडशीट, ठीक है? नाइस। अब बताओ ग्लास लेने जाओगे या यहीं से लूंगी? मैंने पापा से पूछ लिया, कॉर्नर पे ही शॉप है तो ट्राई करेंगे जाने का। अब एक और ले लूं। बस गाइस हम तैयार हैं मैदा चिपकाने के लिए, क्योंकि बाय टू गेट वन है। सो गाइस फाइनली झाड़ू मिल गई है। कौन सी कर रहे हैं? इसको गाइस इतना लॉन्ग कर सकते हैं झाड़ू को। चलो ये दे दो। हाँ एक काली दाल का पैकेट दे दो। काली दाल तो मैम आपने ले ली ना? नहीं, एक साबुत मसूर अच्छा। होती है ना काली उड़द? हाँ उड़द मसूर तो यही है। ओके ओके बताइए। मसूर की भी दाल दे दो, लाल वाली। हाँ छोले हैं, राजमा है, काले चने भी हैं, मूंग की दाल। मूंग की दाल तो बहुत ज़्यादा है अपने पास, ख़त्म तो हो गई है, पर दे दो एक हाफ के जी मूंग की दाल दे दो। हाफ के जी मूंगफली भी देना। मुझे ऑर्गेनिक ही चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत राशन हो गया अभी भी, बस वो लेस और बिस्किट कुछ ऐसा दिला दो। यार गाइस स्टील के बर्तन लेना तो एक टारगेट ही हो गया था हमारे लिए। ग्लासेस वगैरह मैंने लिए नहीं है क्योंकि साहिल बोल रहे हैं अभी किसी शॉप पर लेकर जाएंगे, पर मैंने अपने लिए एक स्टील की थाली, दो कटोरी, एक बड़ा बाउल और चमचे चम्मच सब ले लिया है। बस ग्लासेस वगैरह नहीं लिए हैं, तो अभी देखती हूँ वहाँ मिलता है नहीं। और आज हमने सारा राशन ले लिया है। अब फाइनली 2-3 मंथ्स का हमारा थोड़ा छुट्टी हो गई है क्योंकि सब कुछ ही खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो अब सीधा घर चलते हैं और घर जाकर आपको मिलते हैं। बट अगर रास्ते में कहीं हम लोग रुके तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे कैसा ग्लास चाहिए, मैं तभी दिखाऊंगी अगर मुझे मिल गया तो। तांबे में भी है? फाइनली मुझे रोटी मैट मिल गया है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि इसको रोटी मैट मेकर जो भी बोलते हैं, मैंने वो बोला और मुझे मिल गया, तो यही है वो सिलिकन वाला। सो गाइस फाइनली सब कुछ मिल गया है, स्टील के बर्तन भी मिल गए हैं और पता नहीं हम लोगों ने आज क्या क्या ले लिया। मतलब वो ये एक चीज़ लेने के लिए निकलते हैं और 10 चीज़ लेकर आते हैं, वो भी अपनी ठंडी ठंडी नाक मेरे हाथ पे लगा रहे हैं। तो अभी सीधा घर चलते हैं और घर जाकर आपको मिलूंगी, और फिर दिखाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं सामान, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट व्लॉग कर ही रही थी कि आप सब देख लो। तो काफ़ी हैप्पी हूँ कि मेन वो स्टील का ग्लास मिल गया जो मुझे चाहिए था, पर जो मेरी नानी ने दिया था वो तो और बिग था, यहाँ पे सबसे बिग यही था जो मैंने लिया है। जैसे कि साहिल का फास्ट है तो उनके लिए दाल बन रही है, और यहाँ मुझे सारा राशन लगाना है, बाकी जो सामान लाए हैं वो भी लेकर आते हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं दाल धो रहा हूँ आपके लिए। अरे वाह थैंक यू। हाँ पहले वो वॉश कर ली थी। हाँ, लाओ मैं करो। नहीं कर ली थी मैंने। इतना कुछ सामान लेके आ गए थे हम। यार ये तो मेरे फेस मिल गया गाइस, बाहुबली ग्लास। अच्छा लग रहा है। मैं ये वाले भी लाई हूँ, ये वाले भी लाई हूँ। अब से शोना इस वाले प्लेट में खाना खाया करेंगे। ये ग्लासेस
बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, पहले कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं लाई हूँ ये मसाले, ये सिलिकन मैट भी मिल गया जिसपे रोटी बनाते हैं। ये देखो कितना क्यूट सा है, ये मैं वाइन कलर में ही लेकर आई हूँ सारा पूरा, ये सेट वाइन है। तवा, कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, और ये हम सैंडविच बनाने के लिए एक चीज लाए, दिखाना सारे इधर आ गई। ये तो आपके ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ ये सैंडविचेस बनाने के लिए, और ये देखो गिर जाएगा से। ये देखो रोटी वाला कितना सही है ना, अच्छा है। इसमें रोटियां रखो, और रोटी रखने वो उनके नीचे की मैट कवर्स भी लाए, अच्छे। बाकी बस बाकी ये राशन है, ये राशन है। अब इसको खोलने की अभी हिम्मत नहीं है, अब कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है। ये लगा भी दूंगी क्या कर रहा है ये बाबा आदम के जमाने की मिक्सी, चेंज करने का टाइम आ गया है इसको। हाँ, क्योंकि आपसे ओपन नहीं हो रहा। बना तो दिया है, हाफ और रहता है। टेस्टी बनाया आपने जना, वो क्या बात है। चलो बस भाई साहब जबरदस्त, एकदम पानी आ रहा है, बस बोला भी नहीं जा रहा है सारे से, भाई साहब भाई साहब। इनसे अच्छा चूरमा और दाल कोई नहीं बना सकता। थैंक यू। चलो फटाफट खा लेता हूँ मैं। और मैं डिनर में खाने वाली हूँ गाइस ये मिक्स वेज राइस, जो कि काजल ने अपने लिए मंगाए थे, लेकिन उससे हाफ ही खाए गए हैं, तो मैं कंप्लीट करूँगी। देखो कितनी तेज आवाज कर रहा है, मैं आज भी ऑन किया है तो देखना चाह रहा हूं, तो प्रॉब्लम हो गई ना, और एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो नहीं। गाइस साहिल का दाल चूरमा मिल्क, चलो खा लो, एंजॉय। हाय बाय। सारा सामान किचन का मैंने सेट कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम आज लाए हैं बाहुबली बर्तन साहिल के लिए, और काजल गिर गई थी। सबसे पहले बाहुबली ग्लास, आप सोचेंगे कि इतना कौन खाता पीता है, तो देखो ये सिर्फ शौक के लिए हम लाए, पियेंगे खाएंगे तो इसमें इतना ही। बाहुबली कटोरी इस कटोरी में हम सब्जी खाएंगे, और बाहुबली चम्मच, क्योंकि देखो छोटे चम्मच से तो काम चलेगा नहीं, तो ये पूरा सेट है। बाहुबली थाली, अब क्या होगा ना, जैसे कुछ भी सब्जी वब्जी दूंगी मैं साहिल को जो भी, तो ऐसे खाएंगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बारी में सारा देना है, अब बार बार मांगेंगे ही नहीं। नानी हमेशा ये बोलती थी, क्या छोटे छोटे बर्तनों में तुम खाते हो, बर्तन तो ये होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, इसमें ठंडी भी हो जाती है दाल। तो साहिल का मेन रहता है कि मैं ना तब भी कोई दाल बनाती हूँ या ग्रेवी वाली सब्जी होती है, तो उसी में ही रोटियां भी तोड़ते हैं और ऐसे खाते हैं पूरा अपना स्टाइल बनाकर। तो गाइज आज का तो पूरा डे मेरा ऐसे ही निकल गया, ऐसे तो नहीं निकला, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने घर के काम भी किए, बाहर के काम भी किए, पूरा राशन भी लिया और सारा सामान भी लिया, तो आज मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अब काफ़ी डेज तक हम रिलैक्स तरीके से रह सकते हैं। तो अगर ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो और मेरे बाहुबली बर्तन आपको पसंद आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको।